अपना नाम एक तन बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्य केतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण को छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा। विप्र सदा परियारा,
को रखवाना, जो भी प्रणाम बस करऊ नरेसा, तो तू अब सभी विष्णु महेशा, चल न ब्रह्म कुल सन परिहारी, सत्य कहो उठाई, विप्र श्राप बिन सुनु मही पाला, तोर नास नहीं कवाने उला, हर्ष उराव बचन सुनितास, नाथ न कोई मोर अपनास, तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहु सर्व काल कल्याणा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्यम वाणी, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा, आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही, सत्यनाथ पद गहि बहाखा, जगुर कोप कहु को राखा, राखई गुण जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग राखा, जौन चलब हम कहे तुम्हारे, ओ नास नहीं सोच हमारे, एक ही डर डरपत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा,